हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक स्टूडेंट है, 27 जुलाई बैच से है। अपना नाम बताओ। रमेश। रमेश कहाँ से आप? आदिलाबाद। आदिलाबाद, हाँ। ठीक है, तो रमेश अभी आज का जो क्लास चल रहा है, कौन सा क्लास चल रहा है? ये कॉलकॉम सीपीयू के। कॉलकॉम सीपीयू का, ठीक है। फ्लैशिंग करने का क्लास चल रहा है जी। तो अभी यहाँ पे आप क्या कर रहे हो बताओ जरा एक बार। एक सेवन है, रेडमी का सेवन है फोन है। हाँ, मोबाइल, ठीक है। ये सेट जो है डायरेक्ट रिकवरी मोड में जा रहा है। जरा एक बार बता सकते हैं फोन में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, यहाँ पे फोन ऑन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये रिकवरी मोड में जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम फोन जो लेके आए, ये किसका फोन है? कस्टमर का है। कस्टमर का है, लेकिन कस्टमर किसका है? मेरा। तुम मतलब फोन तुम ही लेके आए ना? तो ये फोन में प्रॉब्लम फ्लैशिंग का है, एक बार फ्लैशिंग करके देख रहे हैं आप? हाँ। तो ये आप पहले करते गए फ्लैश कभी? नहीं सर। तो ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे आपको जो क्लास में बताया मैंने फ्लैशिंग कैसे करना है इजी वे में, तो आप खुद यहाँ आके फ्लैश कर रहे हैं जी। तो आप फ्लैश करके दिखा सकते हैं कैसे करना है? जी, कर रहा हूं। चलो ठीक है, फ्लैशिंग करके बताओ स्टेप बाय स्टेप। पहले सर कॉलकॉम का ये टूल फ्लैश टूल खोल लेना है। ठीक है, टूल कौन सा ओपन करेंगे आप? क्यूसीफाई। वेरी गुड, ओपन करो। ठीक है, यहाँ पे टूल ओपन हो गया। अभी क्या करना है नेक्स्ट? नेक्स्ट इसमें सर फाइल लोड करना है। ठीक है, फाइल लोड करेंगे। ठीक है, फाइल लोड करिए। वेरी गुड, कहाँ जाना है? फाइल कहाँ रखे आप अपने? डेस्कटॉप। वेरी गुड, डेस्कटॉप पे जाओ। उसके बाद कौन सा फाइल था हमारा? रेडमी 7A पाइन ग्लोबल इमेज। अच्छा, रेडमी 7A पाइन ग्लोबल इमेज, इमेज ये हमारा फाइल है। वेरी गुड। उसके बाद ये दो फाइल होती है, इसमें से कौन सी लेनी है? रॉ प्रोग्राम 0। वेरी गुड, चलो सेलेक्ट करो। ओके करो। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम? फ्लैश करना है सर। तो फोन कौन से मोड में कनेक्ट होता है? कॉलकॉम का फोन ईडीएल में। ईडीएल। चलो ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद फ्लैश बटन पे क्लिक करो। तो इसका आपको टेस्ट पॉइंट पता है कहाँ पे है? हाँ सर। चलो वेरी गुड, इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे टेस्ट पॉइंट से, और उसके बाद फोन कनेक्ट कर लो। जैसे कि यहाँ पे कॉलकॉम का पोर्ट बना लिया और यहाँ पे स्टार्ट हो गया। इनके लिए एक बार जोरदार क्लैप भाई। ठीक है, तो ये कभी आप कनेक्ट करना, ऐसा ईडीएल में कनेक्ट होता है फोन, कभी पता था? नहीं सर। तो ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप? फर्स्ट टाइम। पोर्ट कैसे बनाना, ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना कॉलकॉम में? हाँ। ठीक है, अभी यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट हुआ, ये कभी पता ही नहीं था? नहीं था। तो अभी यहाँ पे खुद से कर रहे हो आप? पहले तो किसी और के पास देते थे पैसे, दे के करवाते थे फ्लैशिंग वगैरह करवाते थे। अभी अभी नहीं देना पड़ता सर। अभी नहीं देने का? नहीं। चलो वेरी गुड, अभी देखेंगे यहाँ पे फोन में फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हमारे पास फ्रेशर स्टूडेंट है जो कि खुद से अपने हाथ से ये काम कर रहे हैं, और यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ा सा फ्लैशिंग होने के लिए। मिनिमम 2-3 मिनट्स लगता है ये फ्लैशिंग में। तो जैसे कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट बैठे हैं हमारे पास, तो यहाँ पे कितने लोग कॉलकॉम फ्लैशिंग एकदम इजी वे में कर सकते हैं बता सकते हैं आप लोग कर सकते हैं इजी वे में? तो आपको मैंने मीडिया टेक में बताया था, मीडिया टेक के अंदर फ्लैशिंग कैसे करना है। तो मीडिया टेक का कौन कर सकता है इसमें फ्लैशिंग? सभी कर सकते हैं। कैसे कैसे करना है सारा स्टेप मैंने आपको बताया। 2 दिन का क्लास चल रहा है आपका, ये दूसरा दिन है। उसके बाद आपको, उसके बाद सैमसंग का है, उसके बाद आपका इमिनसिस स्टार्ट होगा। हर दिन आपको नया नया कुछ सीखने मिलेगा, है ना? तो सब लोग क्या है भाई, अपना जो टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, बस इसके अंदर आपको हर एक दिन नया कुछ मिलेगा, उसमें आपको सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ा, सिस्टम का फाइल यहाँ पे देख सकते हैं राइट हो रहा है।
थोड़ा टाइम लेता है। तो जैसे कि आप बता सकते हैं कि आप यहाँ आने से पहले आपको क्या लगता था कि सीखने में अगर नहीं सीखेंगे सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे? वो तो सबको होता है सर पहले सीखने से पहले, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ज़रूर सीखेंगे। अच्छा, आपका समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, वन वे में समझ जाते हैं। अच्छा, इसलिए फर्स्ट टाइम कर सक रहे हैं आप। तो फर्स्ट टाइम में आप कर रहे हैं? हाँ। ऐसा नहीं है कि भाई फ्लैशिंग सीखने के लिए 10-15 दिन लगेंगे, एक महीना लगेगा? जी नहीं, सॉफ्टवेयर का क्लास चालू तो कल से ही हुआ है और आज से हम सॉफ्टवेयर चालू करना चाह रहे हैं। कल भी किए आप शायद? कल भी किए थे? किया था। कल का जो आपका कॉलकॉम का भी था? हाँ। तो उसमें भी आप कल किए? आज आपका खुद का फोन यहाँ पे फ्लैशिंग कर रहे हैं जी, तो ये अभी कॉन्फिडेंस बढ़ गया मतलब फ्लैशिंग करने का? हाँ। पहले क्या था भाई, डर? जीरो लेवल था पहले, तो जीरो लेवल था, डर था। हाँ। कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? हाँ। तो तुमको ऐसा, जो तुम्हारा ये वीडियो देख रहे स्टूडेंट, उन लोगों से क्या बोलना चाहेंगे जो आपको देख के यहाँ आना चाह रहे? सीख सकते या नहीं सीख सकते हो? 100% सीख सकते सर। अच्छा, तो यहाँ पे सागर सर का क्लास और फिरोज सर के क्लास के बारे में बताओ जरा थोड़ा। फिरोज सर का थ्योरी का क्लास रहता है। हाँ। वो भी बहुत जबरदस्त है। ठीक है, आपको स्कीमेटिक डायग्राम और जो सुबह के 2-3 घंटा जो थ्योरी चलती है, तो फिरोज सर का पढ़ाने का तरीका कैसा बताते हैं? वो भी एक नंबर पढ़ाते हैं वो भी। अच्छा, और सागर सर का समझा देते हैं पूरा, लाइन 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 ट्रेसिंग जो है उनका समझाने का तरीका वो बहुत अच्छा है। ठीक है, और सागर सर जो बताते हैं हैंड स्किल वगैरह, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। आप पहले इसके पहले आईसी वगैरह रिवॉल्व किए कभी? नहीं, कभी नहीं। तो अभी कौन सा आईसी रिवॉल्व कर रहे हैं? अभी डबल टेकर। डबल टेकर भी कर रहे हो? हाँ, कर रहे। ब्लैक पेस्टेड? ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड आप किए ना सक्सेस? नॉन पेस्टेड भी कर लेते हैं। नॉन पेस्टेड? हाँ। यहाँ आने से पहले कर सकते थे? नहीं। तो ये पॉसिबल किधर हुआ? यहाँ फोन फिक्स है। फोन फिक्स में हुआ ना भाई? ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी यहाँ पे सिस्टम का फाइल राइट होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है सिस्टम के फाइल में। जैसे कि सिस्टम की फाइल राइट हो गई है और यहाँ पे वेंडर की फाइल राइट हो रही है। ठीक है, ये वेंडर की फाइल भी राइट हो गई है, अब यहाँ पे एक कस्टम की फाइल राइट हो रही है। एक वन बाय वन जो फाइल हमारी यहाँ राइट हो रही है, हमें देखना होता है कि कौन से फाइल पे प्रॉब्लम आ रहा है या कोई फेल्ड हो रहा है, सारा कुछ देखना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सारी फाइल राइट हो गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेशन फिनिश बोल के आ गया है, फ्लैशिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। एक बार फ़ोन दिखा दो, एक बार रिकवरी से फ्लैशिंग होने के बाद ऑन करके दिखाओ।
देखेंगे, अगर इसमें फ्लैशिंग का प्रॉब्लम है तो फ्लैशिंग से ऑन हो जाएगा, या अगर MMC का हेल्थ प्रॉब्लम है तो यो MMC के ही MMC प्रोग्रामिंग करके ही इसका ऑन करेंगे अगर प्रॉब्लम है तो। देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट लोगो तो आ गया है, अगर सेकेंड लोगो आ जाता है तो क्या होगा भाई? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड लोगो आ गया है भाई, एंड्रॉइड है स्टार्टेड। एक बार इनके लिए जोरदार क्लैप। पहले फोन में क्या प्रॉब्लम था? फोन ऑन करते रिकवरी मोड में जा रहा था। फोन ऑन करते ही क्या हो रहा था? रिकवरी मोड में जा रहा था। तो आपको पता नहीं था कि इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपने यहाँ पे फोन लेके आया बनाने के लिए। ठीक है, आपका ही फोन है ना ये? हाँ सर। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, फोन ऑन हो गया, सेकेंड लोगो भी चल रहा है। अब इसके बाद ये फोन क्या होगा भाई? पूरा ऑन हो जाएगा। तो अभी कॉन्फिडेंस आ गया अभी बनाने का? कोई भी फॉल्ट होगा विदाउट डेड रिस्क आपको समझ में आ गया कैसे फ्लैश करना है, क्या करना है, फाइल कहाँ से डाउनलोड करनी है। ठीक है, वेट करेंगे यहाँ पे फोन ऑन होने तक पूरा। अब इसके अंदर बहुत तरीके अलग अलग प्रॉब्लम आते हैं, जैसा कि ये रिकवरी मोड से प्रॉब्लम आया था तो रिकवरी मोड के लिए फ्लैशिंग से क्लियर हुआ। कभी कभी आपको सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड भी लिख के आएगा इस कंडीशन में, तो वो भी क्या कर सकते हैं आप, एक बार फ्लैशिंग करके देख सकते हैं। अगर वो फ्लैशिंग से नहीं हुआ तो कहाँ होगा? दूसरी जगह EMMC में, या फाइल आप चेंज करते रहने का, ये आपका टाइम वेस्ट क्या है भाई, है ना? एक फाइल में अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो बार बार फाइल चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वो ओरिजिनल फाइल से फ्लैश कर रहे हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो दूसरी बार और फाइल डाउनलोड करना है, वन टाइम ही आपका वो काम होना चाहिए। नहीं हुआ सेकेंड टाइम सेम कंडीशन पे तो फिर क्या करेंगे हम सेकेंड टाइम में? EMMC का हेल्थ प्रॉब्लम में रिपेयर करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो दूसरी फाइल, दूसरी से तीसरी फाइल, खाली फाइल चेंज कर करके या टूल चेंज करके परेशान हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट प्रॉब्लम हमें मालूम पड़ जाता है। और इसके पहले भी अभी तुम्हारा फ़ोन था, कौन सा मॉडल था ज़रा बताइए एक बार? Redmi 8। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम था? इसमें सर लोगों का प्रॉब्लम था। यस सर। तो ये क्या कैसे निकला, क्या करने से निकला है? फ्लैशिंग करने से निकला। आज जो मैंने आपको इसके ऊपर फ्लैशिंग करना बताया, ठीक है, ऑन करके बताओ एक बार, ये कभी बताया अभी क्लास में? अभी बताया अभी जस्ट, ये क्लास करने से पहले ये फोन हमने फ्लैश करके दिखाए कि एक फोन फ्लैश कैसे होता है, और ये प्रॉब्लम क्या था इसमें? लोगों का था। तो ये कैसे निकला, किस चीज से निकला है? ये फ्लैशिंग करने से। एक फाइल से निकला या तीन चार अलग अलग डालने पड़े मुझे? एक फाइल से। वन टाइम में हुआ? यस सर। तो ये कॉन्फिडेंस समझ में आता है कि कौन सी फाइल से होना चाहिए? यस सर। ठीक है, तो ये प्रोसेस तुम कर सकते हैं क्या? यस सर, कर सकता हूँ। तुम भी फ्रेशर हो, कहाँ से हो आप? मैं MP मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से हूँ। अच्छा, आप पहले फ्लैशिंग का काम करते थे क्या? नहीं सर, मेरे को नॉलेज भी नहीं था। नॉलेज नहीं था, लेकिन अभी अगर कोई भी फोन मैं दे दूं अभी आपके कॉलकम का फोन, तो आप कर सकते हो? यस सर, कर सकते। इजी कर सकते हो? यस सर। वेरी गुड, एक बार इनके लिए भी जोरदार क्लैप। थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे फोन पूरी तरह से बूट हो गया है। एक बार दिखाओ जरा, यहाँ पे दिखाओ। वेरी गुड, एक बार क्लैप्स भाई इनके लिए। ठीक है, अभी कोई भी फोन अगर दे दिए कॉलकॉम का तो करेंगे आप भी? जी सर। ओके सर के लिए, और टॉपिक के लिए, टॉपिक सर के लिए थैंक यू।